आलू के छिलके वाली सब्जी तिल डाल के बना रही हूँ। एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल, 3 मीडियम साइज के आलू है। आलू को छिलके के साथ फिंगर चिप्स की तरह काटा है और 2-3 पानी से धो लिया। तेल गरम हो गया है। 1/4 टीस्पून राई, जीरा, 1/4 टीस्पून तिल और 6-7 कड़ी पत्ते, 1 पिंच हींग और आलू को इसमें डाल दें, जिससे बहुत स्वाद अनुसार 2 मिनट के लिए कवर करें। एक ग्रीन चिली को मैंने पतला पतला काट के इसमें डाल दी है। इस बार हम इसे मिक्स करते हैं। मैगी 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून मिक्स चिली, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें सोते अच्छी तरह से करना है, जिससे ड्राई भी रहे और टेस्टी भी रहे। थोड़ा सा पानी का छींटा 2 मिनट के लिए कवर करें। अब मैं ढक्कन को निकाल रही हूँ। ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे मैं दबा के दिखाती हूँ। देखो, ये आलू अच्छी तरह से टूट रहे हैं। इसे मसाले में अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है। 4-5 बूंदे नींबू की, थोड़े से सिसमी सीड्स रोस्टेड है जो मैं डाल रही हूँ, धनिया से गार्निश। इस तरह से ड्राई होने चाहिए कि ऑयल जरा भी नहीं लगे। इसे मैं सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ, धनिया से सजाती हूँ। आलू के छिलके वाली सब्जी बनके तैयार है।